नहीं, गर्मी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, नॉर्मल है। और एज अ प्रोफेशनल आपको हर चीज़ में एडजस्ट होना पड़ता है। और या इस गर्मी में पहले भी हम खेले हुए हैं और इतना कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, मेरे लिए हर मैच इम्पोर्टेंट होता है और एज अ टीम, एज अ कप्तान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितना अपना 100% दूँ और टीम के लिए बेस्ट करूँ और जिस जो चीज़ मेरे हाथ में है उसको मैं फिनिश करूँ। और ऑन द डे कोशिश करता हूँ अपनी क्रिकेट को इन्जॉय करूँ और कोशिश यही होती है कि टीम के लिए बेस्ट की जाए। देखें, मेरे ख्याल से टू अर्ली हो जाएगा और हमने अपनी 11 साइड पे डिसाइड कर लिया, तो इंशाल्लाह जो हमने प्लान किया उस हिसाब से जाएंगे। बाबर, पाकिस्तान इंडिया मैच को हमेशा हाई वोल्टेज कहा जाता है, मगर जिस तरह से आप विराट कोहली और बाकी क्रिकेटर्स से मिले हैं तो लगता है वोल्टेज खत्म हो गया, मामला सारा न्यूट्रल हो गया। नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे एज अ स्पोर्ट्समैन आप मुलाकात करते हैं और किसी भी टीम के साथ, बाकी टीमों के साथ भी हमने काफ़ी अच्छा टॉक किया और बात की है, और ये नॉर्मल चीज़ है। एज अ प्लेयर आप उनसे बात करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से बात करते हैं, क्रिकेट पर बात करते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। हाँ, देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा मेरे ख्याल से इस चीज़ का वेट किया जाता है, पूरी दुनिया इसको इंजॉय करती है। मेन चीज़ ये कि लोग क्रिकेट को इंजॉय करते हैं और हम भी एज अ प्लेयर, एज अ टीम इंजॉय करते हैं कि जितना अच्छा ऑन द डे हम क्रिकेट खेलें, लोगों को ये आके हैप्पी करें अपनी परफॉर्मेंस के साथ। बाबर, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिस स्क्वाड के साथ आया था उसी स्क्वाड से पाकिस्तान ने 5 मैचेस जीते थे सेमीफाइनल तक। यहां आपके दो फास्ट बॉलर्स आप टीम का साथ छोड़ गए हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक हुआ टीम का? देखें, ये पार्ट ऑफ दी गेम है, इंजरीज होती रहती हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिस तरह वो हमारे यंग बॉलर्स हैं वो जैसे परफॉर्म करते आ रहे हैं, पूरा बिलीव है मुझे उन पे और वो अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और एज अ टीम हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑन द डे हम कोशिश करेंगे अपना 100% दें और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। डेफिनेटली देखें, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है हमारा और जैसे वो बॉलिंग करता है अग्रेशन के साथ और बॉलिंग को लीड करता है, तो वो बिल्कुल हम उसको मिस करेंगे। देखें सर, अभी कंडीशन हमने देखी नहीं मैच स्टेडियम में और स्टेडियम की अभी हमने कंडीशन देखी नहीं। आज के मैच से हम आइडिया लगाएंगे कि कैसा बिहेव करा विकेट और कैसा ना आपने प्लानिंग करनी है, तो वो जब आप जाके देखेंगे, मैच देखेंगे, तो मेरे ख्याल से आप डिसीजन ले सकेंगे। इतनी जल्दी हम ये नहीं कह सकते कि बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। ऑन द डे आप जाके देखते हैं सिचुएशन कैसी है, विकेट कैसी है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है और उसमें देखें विकेट कैसा बिहेव करता है। हम इस हीट में खेले हैं, इस गर्मी में भी खेले हैं, डिफरेंट सिचुएशन होती है, हर दिन डिफरेंट चीज़ आती है, तो उससे उसके लिए हम रेडी। हाँ, देखें 11 तो आपको कल ही पता लगेगी इंशाल्लाह। कोशिश यही होगी कि जो बेस्ट टीम हो वो उतारी जाए और बिल्कुल हसन कल आ रहा है, तो हमने पहले जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ थे, जो हमारे बेस्ट 11 हमने डिसाइड किए हैं। एक चीज़ जो पाकिस्तानी टीम है ऑफ लेट, खासकर आपकी टीम में देखने को मिली है, ये टीम बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, एग्रेशन की बातें करती, बड़े कामनेस है, ठहराव है,
यूजुअली ये एलिमेंट्स कैरेक्टर्स ऐसे जो पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ हम लोग एसोसिएट नहीं करते हैं, कहते हैं वोलेटाइल टीम होती है बहुत ज्यादा, ये बदलाव कब से आया है या कैसे आया? क्योंकि आपके अगर मैनेजमेंट को भी देखें ये पूरा सेटअप भी डिफरेंट लग रहा है, वेरी अनलाइक पाकिस्तान टीम्स इन द पास्ट। हाँ देखें, ये कल्चर हमारे इस्लाम में ये है कि जितना आप हमल रहेंगे उतनी आप चीज़ें आसान रहेंगी, उतनी चीज़ें सीधी रहेंगी, और कोशिश यही करते हैं कि अपने आप को सिंपल रखें और यूनिटी रखें, और कोशिश ये होती है कि हर प्लेयर को बैक किया जाए और इकट्ठा रहा जाए और बिलीव रखा जाए कि हम कर सकते हैं, और कोशिश यही होती है कि ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेलें और 100% रिज़ल्ट खुद ब खुद आ रहे हैं। सर टीम को, ये टीम की कल्चर जो हमने जो हमारा आ रहा है ये अब से नहीं, काफ़ी देर से आ रही है एज अ टीम, और मेरे ख्याल से हर प्लेयर पे है कि वो इस चीज़ को फॉरवर्ड कर रहा है और इस चीज़ को लेके चल रहा है। सर कोई चीज़ आसान नहीं होती, हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन उसको अचीव करना आप पे होता है कि वो आपने कैसे उस चीज़ को अचीव करना है और कैसे उस चीज़ को आपने ओवरकम करना है। बिल्कुल दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं और उसके साथ आपने कैसे कम्पीट करना है, कैसे परफॉर्म करना है, डिफरेंट कंडीशंस में जाके कैसे परफॉर्म करना है, वो माइंडसेट और बिलीव है, और जितना आप अपने आप पे बिलीव रखेंगे, अप एंड डाउन्स देखें, ये क्रिकेट है, ये चलते रहेंगे, ये नहीं कि आप सीधा चलते रहेंगे, अप एंड डाउन आते रहेंगे, उसमें आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं वो आप पे, और मेरे ख्याल से अपने आप अपनी गेम पर जितना बिलीव रखेंगे उतना अच्छा। बाबर आपने बोला कि ज्यादा गर्मी नहीं है इंडिया पाकिस्तान क्लैश की, पिछली बार तो आपने पहला वर्ल्ड कप मैच जीता इंडिया के खिलाफ जो लास्ट मैच था, तो अब की बार तो आपका बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप तो अंडर प्ले कर रहे हो क्लैश को, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो पिछले मैच को। सर देखें, वो मैच गुजर गया, अब नया मैच आ रहा है और नई कंडीशंस है और नए मैचेस हैं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है, और ये नहीं कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, ज़रूरी नहीं है बड़ी बातों से कुछ होता है, मेरे ख्याल से जितना आप ग्राउंड में अपने आप को दिखाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नहीं मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल अगर शाहीन होता तो डिफरेंट गेम होती, लेकिन हमारे जो बाकी फास्ट बॉलर्स हैं वो भी काफ़ी एग्रेशन और पेस वाले बॉलर्स हैं और यंग हैं, और जैसे वो उनके पास भी एक्सपीरियंस है, T20 का PSL खेलते हैं, डिफरेंट लीग्स खेलते हैं और पाकिस्तान से खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना कोई नहीं होगा, कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल हाई है, और एज अ टीम हम कोशिश करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस दें। देखिए मिडल ओवर्स में आपके स्पिनर्स जब तक आउट नहीं करेंगे तो वो मेरे ख्याल से आप दूसरी टीम पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकते हैं, और मेरे ख्याल से जो हमारे स्पिनर्स हैं शदाब और नवाज और उस्मान कादिर हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, और कोशिश हमारी ये होगी कि अच्छी मिडल ओवर्स में बॉलिंग करें, और हमारे फास्ट बॉलर भी यही है कि हम उनका जितना कॉन्फिडेंस है और जितना मुझे उन पर बिलीव है कि वो कर सकते हैं, बिल्कुल हीट है, लेकिन मेरे ख्याल से आप प्लानिंग के साथ और अच्छी बॉलिंग के साथ भी आउट कर सकते हैं। लास्ट टू क्वेश्चन जी, द लेडी एट द बैक एंड दिस वन, बाबर कौन सा ऐसा इंडियन बॉलर है जिसके खिलाफ आप एज अ बैट्समैन स्पेशल तैयारी करते हैं? तैयारी में हर एक बॉलर के अगेंस्ट करता हूँ, नहीं एक नाम नहीं है, और आप किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, आप जो उनकी बेस्ट बॉलिंग होती है उनके अगेंस्ट आप प्रिपेयर होके आते हैं, आप और कोशिश यही होती है कि ऑन द डे कोई भी बॉलर आपको टफ टाइम दे सकता है, ये नहीं कि कोई एक बॉलर दे सकता है, कोई भी आपको टफ टाइम देता है, उसमें आप अपने आप को कैसे आपको हैंडल करते हैं वहाँ पे। थैंक यू। बाबर हसन अली की इंक्लूजन पे कोई बात हो रही है सोशल मीडिया पे, वैसे भी उनकी जो ड्रॉप किया गया था पूरी फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया गया था, उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तो खेला नहीं, जिस वजह से ड्रॉप हुए थे, तो इंक्लूजन पे नहीं मेरे ख्याल से नहीं होगा, हमने उनको रेस्ट दिया था, ड्रॉप नहीं किया था, और
जिस तरह का वो बॉलर है वो उसने काफ़ी मैचेज जिताए हैं और एज अ स्पोर्ट्समैन जितना वो बिलीव है उसका, मुझे भी उस पर काफ़ी बिलीव है। थैंक यू सो मच।